हेलो बच्चों, तो मैं सेल्फ राहुल गुप्ता एंड यूट्यूब पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मीन्स आज से मैं यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप सबों का बहुत प्यार मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है जो जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है कि आपके 12th हम क्या क्या कर सकते हैं। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो क्या क्या की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं 12th के बाद। तो सबसे पहली बात बच्चों, कि जो साइंस वाले बच्चों का जो एक फायदा होता है, मेन फायदा वो ये है कि आप चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, तो साइंस के बच्चे सारे फॉर्म भर सकते हैं। वो कॉमर्स का भी फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट्स वाले एग्जाम के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा बेनिफिट मिलता है उनको। तो सबसे पहली जो है वो है इंजीनियरिंग, पता ही होगा आपको इसके बारे में। बीटेक, इसके दो एग्जाम होते हैं, एक तो जेई मेन होता है और एक जे एडवांस। जेई मेन लगातार आप 3 साल दे सकते हो, एक बार 12th वाले ईयर में, 12th के बाद, और फिर एक 12th के बाद। तो टोटल आप 6 अटेम्प्ट ले सकते हो इसका। जेई मेन के बाद अगर आपको जे एडवांस का एग्जाम देना है तो ये आप बस 2 ही बार दे सकते हो। लेकिन इसके लिए खास क्राइटेरिया है कि आपको सबसे पहले जेईई मेन क्लियर करना होगा, और जेईई मेन में आपका रैंक 2.5 लाख के नीचे होना होगा, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो। और इसके बाद आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम चुन सकते हो और अलग अलग कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो अलग अलग स्ट्रीम की। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएससी। बच्चों बीएससी बहुत तरह का होता है, जैसे बीएससी सिंपल बीएससी होता है, बीएससी आईटी होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस होता है, बीएससी एग्रीकल्चर होता है। तो जो बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी एग्रीकल्चर है, इसमें आप फिक्स फील्ड में जाओगे, मतलब इन्हीं से रिलेटेड फील्ड में जाओगे आप। अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हो तो आप इसके बाद कुछ भी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। मैं बीएससी पे स्पेशली एक खास वीडियो बनाऊंगा। थर्ड है आपका जो टेक्निकल एंट्री ऑपरेटर, आर्मी रिलेटेड एग्जाम है ये। इसकी खास बात ये है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, आपको 12th के परसेंटेज के आधार पे आपको इसमें एडमिशन दिया जाता है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका 80% 12th में होना चाहिए। चौथा है बच्चों रेलवे SCI, ये रेलवे की अपनी एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है। इस एग्जाम को निकालने के बाद आपको गवर्नमेंट 4 साल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करवाएगी, और उसके बाद आपको एक पोजीशन दे देती है। पोजीशन का नाम होता है IRMSC, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिफ्थ है बच्चों NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी खास बात यह है कि कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसको दे सकते हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों। और आर्मी के लिए बेस्ट जॉब है, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, अगर आपको शुरू से इच्छा है कि हम डिफेंस एकेडमी में जाएंगे, तो इंडिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सिक्स है बच्चों पुलिस कंसल्टेंट। इसकी एक खास बात है कि आप इसकी जो एज लिमिट होती है वो 18 से 22 साल ही होती है, आप इसके बीच में ये एग्जाम दे सकते हो, और कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसको दे सकते हैं, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, डजंट मैटर। रिटन एग्जामिनेशन होता है इसका, फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इसके बाद आपको यहां पर एंट्री मिल जाएगी। सेवेंथ है बच्चों BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसके एग्जाम जनरली बीटेक वाले से ही रिलेटेड होते हैं, आप जब बीटेक का एग्जाम देते हैं तो वहीं पर ऑप्शन आता है BArch का भी, आप उसको भी भर सकते हो, और इसमें भी अगर आपको पसंद हो तो जा सकते हो। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि BArch से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके पास आ जाएंगी। एट्थ है बच्चों फैशन डिजाइनिंग। आजकल गर्ल्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, गर्ल्स इवन बॉयज भी इंटरेस्टेड, लेकिन गर्ल्स इसमें ज्यादा जाते हैं, और ये भी काफी लोग कर रहे हैं बच्चे। नाइन्थ है बच्चों BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसके बाद MBA कर सकते हो, और अगर आपको मैनेजमेंट की फील्ड पसंद है तो आप यहां जा सकते हो।
टेंथ है बच्चों होटल मैनेजमेंट का कोर्स। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो आपको बीएचएम का कोर्स करना होगा या फिर आपको बीएससी इन होटल मैनेजमेंट करना होगा। इससे आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो ये थी आज की टॉप टेन करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th, स्पेशली फॉर द साइंस। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।